नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरो 50 नेक्स्ट के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं यूरो 50 नेक्स्ट की सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना आपका टाइम बर्बाद करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो यूरो 50 नेक्स्ट में आपको पावर ट्रैक का 2961 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरल स्पिरिटेड इंजन मिलता है, जो 2200 रेटेड आरपीएम पर चलकर लगभग 52 हॉर्स पावर की ताकत और 195 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। वहीं जरूरत पड़ने पर यह इंजन 25% का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। यूरो 50 नेक्स्ट में आपको पुराने मॉडल की तुलना में बड़ा इंजन देखने को मिलता है। इससे इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस पुडलिंग और ढुलाई के काम में पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा बेहतर है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। तो यूरो 50 नेक्स्ट में आपको 15 गियर वाला कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर होते हैं। अगर बात करें इस ट्रैक्टर की क्लच के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको डबल क्लच देखने को मिलता है, जिसमें आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच अलग से और इंजन क्लच अलग से देखने को मिल जाता है, जिससे इंजन क्लच की लाइफ बढ़ जाती है। चलिए अब जानते हैं इस ट्रैक्टर के टायरों के बारे में। तो इसमें अगले टायर 750/16 के और पिछले टायर 1498/28 के आते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो 1698/28 वाला मॉडल भी ले सकते हैं। फिलहाल यूरो 50 नेक्स्ट केवल 2 व्हील ड्राइव में ही देखने को मिलता है। भविष्य में कंपनी शायद इसका 4 व्हील वेरियंट भी लॉन्च कर सकती है। अगर बात करें स्टीयरिंग की, तो ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। साथ ही पावर स्टीयरिंग ऑयल के लिए एक अलग से टैंक दिया है। इसमें आपको फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल देखने को मिलता है, साथ ही यह एक्सल 10 टन की भार को आसानी से झेल सकता है। अगर बात करें इस ट्रैक्टर की एयर क्लीनर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 स्टेज ऑयल बाथ वाला एयर क्लीनर देखने को मिलता है, जो 99% हवा को शुद्ध करके इंजन में पहुंचाता है। चलिए अब आगे जानते हैं इस ट्रैक्टर की ब्रेक के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल एमिस्ट मल्टी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, साथ ही यह ब्रेक पुश टाइप पेडल के साथ आते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर की पीटीओ के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको पुराने मॉडल की तुलना में बड़ा इंजन देखने को मिलता है, जिसके कारण इसकी पीटीओ एचपी भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। पुराने मॉडल में आपको 43 हॉर्स पावर की पीटीओ देखने को मिलती है, जबकि इस मॉडल में आपको 45 हॉर्स पावर की रिवर्स पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ और ग्राउंड पीटीओ देखने को मिल जाती है। यूरो 50 नेक्स्ट की पीटीओ पावरफुल होने के कारण इससे आप आसानी से पुडलिंग के काम कर सकते हैं। इससे आप 50 से 55 ब्लेड का 8 से 7 फुट रोटावेटर आसानी से चला सकते हैं। साथ ही इसे भूसा मशीन पर भी उपयोग में लाया जा सकता है। आइए आप जानते हैं यूरो 50 नेक्स्ट की लिफ्ट के बारे में। तो यूरो 50 नेक्स्ट में आपको 1800 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली लाइव हाइड्रोलिक मिलती है, साथ ही डबल डिस्ट्रीब्यूटर इस ट्रैक्टर में कंपनी पेडल लगा हुआ आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि किसान भाइयों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही यदि आपका कोई अन्य सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।